राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में दहशत फैलाने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी गैंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शूटर समेत 700 से ज्यादा गुर्गे एक्टिव रहते हैं। बड़े बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए की वसूली के लिए धमकाने से लेकर उनकी हत्या तक में लॉरेंस बिश्नोई गैंग देर नहीं लगाता। राजस्थान के जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग करने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पूरा कच्चा चट्टा सामने आ चुका है। जयपुर पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग राजस्थान में अवैध वसूली के लिए रंगदारी का खेल साल 2017 से खेल रही है। राजस्थान में अलग अलग शहरों में लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश पर गैंग के बदमाशों ने बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमकी दी है। रंगदारी नहीं वसूलने पर फायरिंग करने के साथ ही मारने के लिए शूटर भी भेजे। मर्सिडीज कार में आग भी लगाई गई। रंगदारी के लिए एक बिजनेसमैन की हत्या भी कराई गई, जिससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने व्यापारियों में डर का माहौल पैदा कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में सामने आया है कि वो राजस्थान में 100 से ज्यादा लोगों को धमकी दे चुका है। इनमें से 26 बड़े बिजनेसमैन से भी कॉल कर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने का मामला भी सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से बैठकर गैंग के बदमाशों को निर्देश देकर रंगदारी के लिए धमकाने से लेकर फायरिंग तक कराई है। मार्च 2017 की बात है। जोधपुर के शास्त्री नगर में मनीष जैन, जो कि जैन ट्रेवल्स के मालिक हैं, उन्हें लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब के फरीदकोट जेल से निगमो ऐप के जरिए फिरौती के लिए कॉल किया। फिरौती नहीं देने पर लॉरेंस के गुर्गे हीरा जाट और विष्णु बिश्नोई ने मनीष जैन के ऑफिस में पिस्टल से फायर करने की कोशिश की। पिस्टल में गड़बड़ी की वजह से उस वक्त फायरिंग नहीं हो पाई। तो वही मार्च 2017 में ही फिर से उसी व्यापारी मनीष जैन को लॉरेंस बिश्नोई ने फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और फिरौती नहीं देने पर फायरिंग भी करवाई। लॉरेंस के वही गुर्गे हीरा और हिरेंद्र जाट, विष्णु बिश्नोई, लवप्रीत सिंह उर्फ विक्की, जगदीप सिंह उर्फ दीपा उर्फ जग्गा, शुभम वीर उर्फ मंत्री जैसे सभी बदमाशों ने पेट्रोल डालकर मर्सिडीज कार को आग लगा दी। मार्च 2017 में ही जोधपुर के डॉक्टर सुनील चांडाल को लॉरेंस बिश्नोई ने फरीदकोट जेल से निगमो ऐप के जरिए फिरौती के लिए कॉल किया। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। फिरौती नहीं देने पर हीरा उर्फ हिरेंद्र जाट, विष्णु बिश्नोई समेत सभी गैंगस्टरों ने पिस्टल से घर और कार पर फायरिंग की थी। जून 2017 की बात है। जोधपुर के सरदारपुरा में बिजनेसमैन वासुदेव पर हीरा राम उर्फ हरेंद्र जाट ने फिरौती के लिए कॉल किया। फिरौती नहीं देने पर पिस्टल से शोरूम में फायरिंग की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसी तरह से पूरे राजस्थान में 100 से ज्यादा बिजनेसमैन को धमकी देकर अब तक रंगदारी मांग चुका है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के अंदर दिनेश एमएन की एंट्री हो चुकी है और दिनेश एमएन ने अब इन गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है कि अब वो गैंगस्टर आने वाले समय में या तो अपने आप सरेंडर कर देंगे या फिर देश को छोड़कर फरार हो जाएंगे।